तो गाइस यार अगर आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हो तो आप सभी को पता होगा कि इससे पहले जो हमने बहुत ही बड़ा बिग हॉर्न साउंड सिस्टम बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा लाउड थी, मतलब कि उसके अंदर से जो आवाज़ निकलती थी वो सच में यार बहुत ही कमाल की थी। लेकिन गाइस उस टाइम पर जो हमारे चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे, लेकिन गाइस अब जो हमारे चैनल पर लगभग 5K सब्सक्राइबर जो कंप्लीट होने वाले, आप सभी लोगों की वजह से ये जो फैमिली 5K की हो गई है, तो उसी साउंड सिस्टम को जो फिर से लाया जाए और फिर से आपको उसकी जो वॉइस दिखाई जाए कि किस तरीके से उसके अंदर से जो लाउड साउंड निकलता है उसको वापस से सुनाया जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं नॉर्मली हमारे पास फिर से जो वही बहुत ही बड़ा साउंड सिस्टम है, ये जो पूरी तरीके से हमने इसको घर पे बनाया है। अगर आपको इसको मैं पास से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं नॉर्मली ये जो हमारा है साउंड सिस्टम जो इकोसिस्टम रहता है वो वाला है, और ये जो नॉर्मली हमने घर पे बनाया है, अगर आपको इसको पास से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं बाल्टी थी उसको जो हमने काट लिया है और इसके ऊपर जो है हमने सेलो टेप से जो उसके ऊपर जो है एक पूरी परत चढ़ा दी है, आप नॉर्मल देख सकते हैं परदी इसके ऊपर जो हमने बना दिए। और इस साइड अगर आपको दिखाऊं तो हमने यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं पेक हो रखा है, इसको हमने जो मुंह से फूक मारने के लिए बनाया था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पंप के लिए बनाया था, जो आप नॉर्मली पंप देख रहे हैं इस पंप से जो इसको हवा मार के इसको बजाने के लिए बनाया था। तो गाइस नॉर्मली ये बहुत ही बड़ा है तो हमारे मुंह से तो हम इसको बजा नहीं सकते, तो हमने जो ये वाला सीढ़ा है इसको तो कर दिया पैक, और ये वाला देख रहे हैं आप जो पंप से बजाने वाला इसको ऑन रखा। तो नॉर्मली अब हम क्या करने वाले इसको इस सिस्टम में कुछ इस तरीके से जो अच्छे तरीके से फिट कर देंगे। इसको फिट करने के बाद जो नॉर्मली हमारा पंप है इसको जो डायरेक्टली ये वाल डंडे आप देख रहे हैं हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस नॉर्मली अब जो हमारा साउंड सिस्टम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर इसकी वॉइस की बात करें तो अगर सच में बहुत ही ज़्यादा लाउड वॉइस है, आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई ट्रेन का जो हॉर्न रहता है उस तरीके से जो उसकी आवाज़ है वो आती है। उसको पूरी तरीके से हमने घर पर बनाया है। अगर आप देखने जाते हैं कि हमने इसको किस तरीके से बनाया है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि हमने इसको किस तरीके से जो है बनाया है, इसका साउंड हमको कितना लाउड सुनाई देगा। तो चलिए फटाफट से इसको हम बजा कर देखते हैं कि इसका साउंड है वो हमको किस तरीके से सुनाई देगा। तो गाइस अब जो नॉर्मल इसको हम बजा कर देखेंगे कि इसकी जो वॉइस है वो कितनी तेज सुनाई देगी। 3, 2, 1 क्या हुआ? अरे बहुत आवाज तेज है। उड आ रहा है, मतलब की हमारे कान में इस टाइप की जो हमारे कान में अभी तक बुंद बुंद की जो आवाज है अभी तक आ रही है, और भाई तो उसको छोड़कर भागने लग गया। पकड़ एक बार उसको ट्राई करते यार, इसको वॉइस सच में आ रही ना। अरे भाई यार बहुत तेज आवाज आई है। अरे पकड़ ले यार एक बार और पकड़। तो चलिए फिर से उसको बजाते हैं, पकड़ना उधर। अब ज़्यादा आवाज नहीं आएगी, टेंशन मत ले, थोड़ा आराम से बजाऊंगा मैं। 3, 2 गाइस सर इसकी वॉइस सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है। एक बार मैं इसको थोड़ा आपको लगातार बजा कर सुनाता हूँ, और फिर से देखना आप इसकी वॉइस सच में कितनी जोर के आती है। थोड़ा कान में ज़्यादा आवाज़ आ रही क्या? हाँ यार, एक हाथ कान में लगा ले, फिर उधर का हाथ कान में लगा ले, बजाऊँ। 3, 2, 1 ओए भाई उधर के पक्षी देखो कितनी जोर से उड़ रहे ऊपर के, उधर वहाँ तक जो उधर उधर उड़ के भग गए हैं। चलिए फिर से बजाते हैं। 3, 2, 1 तो गाइस सर आपने सुनी लिया जो उसकी वॉइस है सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, मतलब इसका साउंड इतनी जोर से बजता है जैसे कि जो हमारे ट्रेन का जो हॉर्न रहता है ना बिल्कुल उसी सेम उसी टाइप की जो उसकी वॉइस है वो आ रही है। और हमने जो उसको पूरी तरीके से बिल्कुल घर पे बनाया है। अगर आपको इसका वीडियो देखने जाते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हमने घर पे बनाया है, और पूरा मेन पार्ट यही है। अगर आप इसका वीडियो देखने जाते हैं हमने इसको किस तरीके से बनाया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हो और आप इसको बना सकते हो बिल्कुल घर पर ही। बिल्कुल हमने जो वेस्ट पड़ी हुई चीज़ें हैं उससे इसको बनाया है। और गाइस अगर हम इसको बंदर के सामने ले जाए तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का नज़ारा होगा। जो हमारे किसान भाई होते हैं इस टाइम के उनको जो बंदर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो खेत में फसल होती है और जो बंदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को परेशान करते हैं। तो गाइस अगर इसको जो लेकर हम खेत में चले जाए बंदर के सामने चले जाए तो बंदर मेरे को नहीं लगता कि अगली बार जो हमारे खेत में आएंगे, क्योंकि हम बहुत ही कमाल का, आप देख सकते हैं इधर भी खेत ही खेत है, यहाँ पर बंदर आते हैं। तो हम नॉर्मली इसी का यूज़ करने वाले, आपसे हमने इसको फिर से रिपेयर कर लिया है, ख़राब हो गया था,
तब बंदर आएंगे तो हम भगाने के लिए बंदर को इसी का यूज करने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।